हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं कोई पढ़ाने का टॉपिक लेके नहीं आया हूँ दोस्तों। वैसे आप थंबनेल से देख लिए होंगे दोस्तों, आई हेट मीडिया दोस्तों। मैं मीडिया से अभी के सिचुएशन में जिस प्रकार अभी चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ दोस्तों। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी फैमिली के अगर इस मेम्बर है, जितने भी मेरे चैनल पर जो है सो फैमिली के मेम्बर है दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना नफरत अभी मैं कर रहा हूँ, उतना ही नफरत आप भी कीजिए दोस्तों, आप भी कीजिए। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है दोस्तों कि ये बेरोजगार पे जो है सो इतने से इतने बड़े बड़े टीचर सब जो है सो वीडियो दिए, लगभग 10 से 20 लाख विद्यार्थी जो है सो ट्वीट किए इस बेरोजगारी के वजह से, लेकिन एक भी मीडिया चैनल जो है सो हिला नहीं। आखिर ये क्या समझते हैं दोस्तों, आखिर ये इस पे जो है सो मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं, जबकि इसको ये पता है कि अगर मान के चलिए अगर ये स्टूडेंट अगर नहीं रहा तो फिर आप लोग जो है सो इतना जो कूद रहे हो उधर से उधर जो है सो कूद फान जो है सो कर रहे हैं, किसके बदौलत आप लोग करोगे? इतना सपोर्ट होने के बाद भी जो है सो ये सब जो है सो कुछ जो है सो नहीं कर रहा है, इस पे बेरोजगारी पे मुद्दा सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जो है सो उठा रहा है दोस्तों? आखिर क्या कारण है? मीडिया को पहले मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि मीडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मतलब जो चीज़ अगर जो जीत पे अगर लड़ते हैं, मतलब जिस खिलाफ ये सब लड़ते हैं उस पर जो है सो सरकार को क्या होता है, मतलब झुकना पड़ता है। अगर सही रहता है तो सरकार को झुकना पड़ता है, लेकिन इस खिलाफ इस बेरोजगारी के जंग में ये साथ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि इसके 7-10-20 लाख सपोर्टर है दोस्तों। जानते हैं इसका सबसे बड़ी जो है सो खराबी हम क्या देखें दोस्तों, तो ये सब जो बड़े बड़े स्टार है, जो बहुत बड़े बड़े जो है सो धनी आदमी है, बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार आदमी सबका अगर बीवी अगर प्रेगनेंट भी अगर हो जाता है ना, तो उसके बारे में पूरे 10-10 दिन तक जो है सो दिखाते ही रह जाता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ दिस दैट, ये सब देख के क्या होगा? ये फालतू का चीज सब बहुत ज्यादा दिखाते हैं और इस पर ज्यादा जो है सो मुकदमे सब जो है सो उठाते हैं। आखिर इससे क्या होना दोना है, क्या मतलब किसी को इससे प्रॉफिट होने वाला है? अगर किसी का बीवी अगर मान के चलिए प्रेग्नेंट हो गया तो इससे क्या स्टूडेंट सबको कुछ प्रॉफिट होने वाला है, किसी जनता को प्रॉफिट होने वाला है? ये दिखा के क्या साबित करना चाहता रहता है? आज उसका वो हो गया, आज उसका ये हो गया, फलना चिल्ला दिस दैट पे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको उठाते हैं। लेकिन आज 10 से 20 लाख जो है सो स्टूडेंट इस बेरोजगारी के खिलाफ जो है सो लड़ रहा है, तो इस पे जो है सो ये एक भी जो है सो वीडियो जो है सो नहीं बनाया और आपको सरकार के खिलाफ जो है सो लड़ा नहीं, सरकार पे जो है सो मुकदमा नहीं उठाए बेरोजगारी के खिलाफ दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों, ये फालतू का चीज क्यों दिखाते हैं? मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि मीडिया वाले के पास जो है सो पहुंचे, किसी न किसी के पास पहुंचे और उसको ये समझ में आए। मैं तो कहता हूं कि अभी भी आप लोगों के पास समय है, इतने बड़े बड़े टीचर सब जो है सो वीडियो दिए हैं, बेरोजगारी पे जो है सो मतलब सवाल उठाए हैं, 10 से 20 लाख स्टूडेंट ट्वीट किए हैं, अगर आप लोग भी अगर सपोर्ट कर दोगे तो सरकार कुछ ना कुछ जो है सो उसमें जो है सो क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। हो सकता है जो मतलब स्टूडेंट सबका जो है सो बात मान ले, हो सकता है जो मतलब महंगाई खत्म हो जाए, बहुत सारा चीज जो है सो मतलब कम हो जाए दोस्तों। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिए दोस्तों, और मीडिया वाले को मैं अभी भी अगर पहुंचे उसके पास तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अभी भी अगर आप लोग अगर सही से बेरोजगारी के खिलाफ मुकदमा अगर आप चलाते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपको जो है सो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे तो लाइक करते ही रहेंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार अभी आप कर रहे हो, अगर ऐसे अगर करोगे तो आपका एक भी वीडियो को लाइक नहीं किया जाएगा, डिसलाइक किया जाएगा और प्रत्येक वीडियो पर जो है सो कॉमेंट किया जाएगा, बेरोजगारी के मुकदमों पर जो है सवाल उठाने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाएगा, आपको बहुत सारा, क्योंकि आप लोग हो ना तो यही स्टूडेंट के बदौलत ही हो, क्योंकि अगर जिस दिन अगर स्टूडेंट सबका अगर ब्रेन अगर घूम गया ना तो आप लोग कहीं का नहीं रहोगे। तो इसीलिए प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी है, जो आप लोग भी जो है सो बेरोजगारी के खिलाफ जो भी स्टूडेंट सब टीचर सब जो है सो मतलब किए हैं, इसमें आप लोग सहयोग दीजिए और इस पर जो है सो वीडियो क्या कीजिए, बनाइए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बस दोस्तों इतना ही, और दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अवश्य शेयर कीजिएगा जो पहुंचे। हो सकता है दोस्तों कोई मीडिया वाले मेरे बात सुन के जो है सो इस पे बेरोजगारी के खिलाफ जितने भी टीचर स्टूडेंट सब मिलके जो है सो मतलब ये लड़ रहे हैं, हो सकता है ये सब भी जो है सो सपोर्ट दे, अगर सपोर्ट करेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत सारा कुछ हो सकता है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।